नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज रिपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तानाजी में अपने दमदार किरदार के लिए काफी तारीफें बटोर रहे हैं। वहीं मंगलवार की शाम मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, आलिया, फर्नीचर वाला, प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने अपनी रिलीज के लिए तैयार फिल्म जवानी जानेमन का ट्रेलर लॉन्च किया। इस मौके पर सैफ एकदम मस्ती और मजाक के मूड में नजर आए। सैफ ने बताया कि उनकी इस फिल्म का ट्रेलर बेटी सारा को बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है। She said it's really good. She said it's the best trailer she's ever seen. इस इवेंट के दौरान सैफ ने खुद को यंग दिखने और लाइफ जीने के तरीके को लेकर खुलकर बात की। इसके साथ ही सैफ ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें जीवन जीने के लिए हिंदू आइडिया पसंद है। जी हाँ, सैफ अली खान जो एक मुस्लिम नवाबों के परिवार से आए हैं, उन्हें हिंदुओं की तरह जीवन जीना अच्छा लगता है। सैफ ने इस बारे में बात करते हुए क्या कहा, खुद सुन लीजिए। I like this nice Hindu idea of एक time होता है where you should try and make money, एक time होता है when you should relax. You know, there's a time for everything in life. And when that comes, I'll find other things to do. And I'll be very happy. I have no issues with getting older. I look forward to it. जी हाँ, सैफ ने कहा कि उन्हें जीवन बसर करने का हिंदू आइडिया पसंद है, जिसमें एक समय होता है जब आपको पैसा कमाना है, एक टाइम होता है जब आपको रिलैक्स करना है, जीवन में हर चीज को करने का एक समय होता है, जब जिस चीज का टाइम आएगा हम उस समय के हिसाब से दूसरा काम करेंगे, मुझे उसी चीज में खुशी मिलेगी, मुझे बूढ़ा होने में कोई इशू नहीं है, मैं तैयार हूँ उसके लिए। साथ ही सैफ से ये सवाल किया गया कि अगर आप और आपका बेटा एक ही क्लब में जाते हैं और एक ही लड़की आप दोनों को पसंद आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस पर सैफ का ये जवाब था। Well, Taimur and I often go to the same club and we often like the same girl. But then I pick him up and send him home. Ibrahim is a bit bigger than me, so I don't know if I can do that. So, you know, it balances out. I think I will leave girls in pubs to Ibrahim and stay home and read to Taimur. I'm an old man now. I'm just pretending to be cool. सैफ अली खान से हाल ही में जवानी जानेमन फिल्म से जुड़े एक इवेंट में पूछा गया है कि कभी उन्हें अपनी जवानी के ढलने का डर लगता है। इसके जवाब में सैफ ने ये कहा, नहीं, जवानी शायद कब की ढल गई थी यार, but नहीं, मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल। I have these issues. मैंने कभी सोचा भी नहीं। आई थिंक यू नो, इफ यू आर यंग एट हार्ट, इफ यू फील गुड, इट्स फाइन। आई डोंट इवन रियली वांट टू बी वेरी यंग। आई मीन, आई डोंट वांट टू बी ओल्ड, बट नो, आई एम हैप्पी, यू नो, आई मीन, आई एम क्लियर इन माय लाइफ। लोग बोलते हैं ऐसे कपड़े पहनो तो आप यंग लगोगे, अब ऐसे बाल कटवाओ तो आप यंग लगोगे। मुझे ज़्यादा यंग लगने का कभी वो प्रेशर है ही नहीं। जब तक काम मिलता है मिलता रहेगा, जब हम रिटायर करेंगे तो रिटायर हो जाएंगे, चिल करेंगे। यू शुड नो हाउ टू लिव। जवानी जानेमन में सैफ अली खान, तब्बू और आलिया फर्नीचर वाला के अलावा फरीदा जलाल, कुमुद मिश्रा, कीकू शारदा और कुबरा सेठ भी अहम भूमिका में हैं। ये फिल्म 31 जनवरी को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म में तब्बू और सैफ का रोमांटिक एंगल है और आलिया सैफ की बेटी की भूमिका निभा रही है। सैफ की इसी हफ्ते रिलीज हुई फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा रही है। फिल्म में सैफ के काम की खूब तारीफ हो रही है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।